नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। श्री बंशीधर नगर नगर पंचायत अध्यक्ष विजय लक्ष्मी देवी ने शनिवार को नगर पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत 16, 17, 13, 14 वार्ड में चल रहे 7 आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण कहा टोला पालही कला आंगनबाड़ी केंद्र, हरिजन टोला आंगनबाड़ी केंद्र, निमायाडीह आदिवासी टोला आंगनबाड़ी केंद्र, जतपुरा आंगनबाड़ी केंद्र, गोस्वामी टोला, जंगीपुर आंगनबाड़ी केंद्र, जंगीपुर बिहारी टोला आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान वार्ड 16 आंगनबाड़ी केंद्र में 12 बजे आंगनबाड़ी केंद्र बंद पाया गया है। काफी देर बाद सहायिका गीता देवी आई और बताया कि इस सेविका हमेशा अनुपस्थित रहती है और हम लोगों को कोई भी राशन उपलब्ध नहीं कराया जाता। वार्ड 17 जतपुरा आंगनबाड़ी केंद्र बंद पाया गया, वहीं वार्ड 14 आंगनबाड़ी केंद्र खुला पाया गया, मगर सेविका के द्वारा बताया गया कि यहां पर 5 वर्षों से कोई भी बर्तन उपलब्ध नहीं है, जिस कारण बच्चों को भोजन बनाकर नहीं मिल पा रहा। वार्ड 13 में बिहारी टोला आंगनबाड़ी केंद्र के बाहर काफी गंदगी थी और रास्ते में भूसे की बोरी भी रखी गई थी, जिस पर अध्यक्ष ने कहा कि वहां पर कार्यरत सहायिका सेविका को जमकर फटकार लगाई। नगर पंचायत अध्यक्ष विजय लक्ष्मी देवी ने कहा कि इस तरह के सेविका सहायिका के द्वारा जो खेल खेला जा रहा है, इसकी शिकायत हम जिला के उपायुक्त, समाज कल्याण विभाग, नगर विकास विभाग को जानकारी देंगे। और ना ही सेविका थी, सेविका हम लोगों को देखी तो आई, लेकिन वहां पर हमने देखा कि किसी तरीके से ना खाना बनाने का सामान था, ना ही और कुछ भी अन्य वस्तु जो आंगनबाड़ी केंद्र में रहनी चाहिए वो थी। उसके बाद वहां से हम तुरंत हरजन टोला आ गए, जहां पर एक और आपका आंगनबाड़ी केंद्र चलता है। हमने देखा कि वो भी आंगनबाड़ी केंद्र ताला लटका था, जिसका हम सभी ने बाहर से उसका फोटो भी खींचा। उसके बाद तुरंत हम वहां से निमिया टोला चल दिए। निमिया टोला में भी वहां पर हमारी एक तो महिला थी, लेकिन ना वो सहिया थी ना वो सेविका थी। जिसके घर में आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा था वो आके ताला खोली, तो हमने पूछा कि क्या आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ हमेशा चलता है। उन्होंने कहा कि किसी तरीके से यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र हमेशा नहीं चलता है। उसके बाद हम वहाँ से जतपुरा स्कूल में आए, स्कूल का आंगनबाड़ी केंद्र के वहाँ अगल बगल कुछ थे, तो बोले कि आंगनबाड़ी खुलता है लेकिन आंगनबाड़ी केंद्र अभी तुरंत बंद हुआ है। लेकिन जिस समय हम गए वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र बंद पाया गया। उसके पुनः वार्ड नंबर 15 में हम पहुंचे। 15 में भी हमने यही देखा कि आंगनबाड़ी केंद्र घर में अपने स्वयं के घर में चलाया जा रहा है, जिससे कि सरकार के द्वारा निर्देश प्राप्त है कि अपने स्वयं के घर में आंगनबाड़ी केंद्र नहीं चलाना है। तो हमने उनसे पूछा भी, लेकिन वो स्पष्ट जवाब दे नहीं पाई। और रजिस्टर मेंटेन में भी जहां तक हम सभी आंगनबाड़ी केंद्र में घूमे, ना ही रजिस्टर मेंटेन था। हमने पूछा कि प्रवेशिका कितने बार आती है, उन्होंने बताया कि प्रवेशिका ऑफिस में रजिस्टर मंगा के वहीं पर मेंटेन करती है। तो ये हम कहना चाहते हैं कि ये सरासर गलत है, क्योंकि जो रजिस्टर मेंटेन है वो रोज करना है और हाँ आंगनबाड़ी में रोज जाना है। और आगे आप कहाँ शिकायत करेंगे? हम अपने यहाँ गढ़वा जिला उपायुक्त को भी देंगे, समाज कल्याण विभाग को भी लिखेंगे और नगर विकास विभाग को भी इसके बारे में जानकारी देंगे कि इस तरीके से हमारे यहाँ पर केंद्र चलाया जा रहा है, ना ही किसी तरीके से जानकारी मिलती है। और जानकारी देने के बावजूद भी इनके पास कोई भी चीज उपलब्ध नहीं है। और निरीक्षण के दौरान उपाध्यक्ष लता देवी, नगर प्रबंधक राजीव कुमार, लेखपाल अमित कुमार, विजय ठाकुर, राजेश कुमार सहित कई लोग शामिल थे। धन्यवाद।